आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश के कई राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के चलते तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसकी दस्तक रीवा में भी मिल चुकी है। यहां सोमवार को महिला क्रिकेट टीम के कोच की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। तो वही कोच के परिवार में उनके माता पिता व पत्नी बच्चों के सैंपल लेकर लैब भेजे गए हैं। फिलहाल पूरे परिवार के स्वास्थ्य विभाग ने क्वारंटाइन कर दिया है और नगर निगम को मोहल्ले की गलियों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रीवा में अगस्त माह में कोरोना के 2 केस मिले थे, जिसके 4 माह में एक केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। रीवा जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीएल मिश्रा की माने तो महिला क्रिकेट टीम को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ग्वालियर जाना था। ऐसे में टीम के सभी सदस्यों की कोरोना जांच कराई, जिसमें शहर के पारेंटोला में रहने वाले कोच की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर जिला प्रशासन की टीम अब कोच की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। वहीं क्रिकेट टीम के कोच को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। ऐसे में पॉजिटिव मरीज की स्थिति पूरी तरह से सामान्य बताई जा रही है, जिन्हें एहतियात बतौर जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। शहर के 47 वर्षीय जो कोच हैं क्रिकेट टीम के, उसके उन्होंने जांच कराया था और कल ही पॉजिटिव आए हैं। जानकारी मिली मेडिकल कॉलेज से, RT-PCR की जो रिपोर्ट आती है उसमें पॉजिटिव आए हैं। हमारी टीम, रैपिड रिस्पांस टीम जो बनाई गई है, उन्होंने भ्रमण किया और उनसे जानकारी दे के, हमारे ये युवा काफ़ी सहयोगी हैं और मेरे अनुरोध पर इन्होंने इनको भर्ती कर लिया गया है जिला अस्पताल में। शासन का भी तत्कालिक रूप से निर्देश है, अभी केस भी नहीं है। लगभग चार महीने बाद पहला केस आया है, तो हमारे पास बिस्तरों की भी कोई कमी नहीं है और अपना भर्ती करने का उद्देश्य रहता है कि इनके माध्यम से दूसरे लोगों को न फैले। तो ये अलग रहेंगे और इनका टाइम से नाश्ता भोजन, अभी आपके सामने इनसे बात हुई है और पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, कोई लक्षण नहीं है। और स्वस्थ का सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने दोनों टीका लगवाया हुआ है कोविड का, ये शुभ संकेत है। ये दोनों टीका लगवाए रहेंगे तो ये तो संक्रमण होगा नहीं, यदि होगा भी तो बहुत धीमा होगा, रोगी गंभीर नहीं होगा, जान जाने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहेगा। तो हिस्ट्री को लेकर क्या है, हिस्ट्री कहीं ये बाहर तो नहीं गए थे, शहर में ही थे। ये तो आप पूरे शहर का ही हाल देख रहे हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं। बार बार शासन द्वारा, कलेक्टर साहब द्वारा, मेरे द्वारा अपील की जा रही है कि भीड़ में अनावश्यक न जाएं, मास्क अवश्य लगाएं, तो लोग कहना नहीं मान रहे हैं, सोच रहे हैं क्या हमको होगा। वो तो सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी को होगा, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखें। शंका की दृष्टि से तो लोग देखते हैं, लेकिन कोरोना को लेकर नहीं शंका करते हैं कि ये हमारा दोस्त है, उसके जस्ट बगल में बैठ जाते हैं, मुंह जोड़कर बात करते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए चेतावनी है, रीवा जिला के लिए पहला केस नहीं है, ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम अभी भी सुधर जाएं। 4 महीने बाद पहला केस है, क्या ये तीसरे लहर की वो दस्तक मानी जाए? निश्चित रूप से ये संकेत हो सकता है। और प्रतिदिन हमारे दिल्ली व महाराष्ट्र, इवन भोपाल में भी या मध्य प्रदेश में भी हमारे जितने केस आते थे तो दूने आ रहे हैं। और इस नए केस का भी हम ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग सुने होंगे, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, इसी सैंपल से हमारा ये सैंपल दिल्ली वायरोलॉजी लैब में भेजा जाएगा, तो उसमें पता चलेगा कि ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या अन्य कोई वेरियंट है। उसके लिए अलग प्रक्रिया करनी पड़ेगी, वो सैंपल जा चुका है।